बरोडा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आपको लेकर आई हूँ जगदीश फरजान। यस, बरोडा में दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग ब्रांड जगदीश फरजान। ये उनका मेनू कार्ड है एंड यहाँ पे हम लोग स्पेशली नाश्ता करने के लिए आए हैं, तो हमने कुछ यहाँ का स्पेशलिटी में जो है खाने में वो हमने मंगवा लिया है। और अभी मैं आपको यहाँ का भी लुक दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अलग अलग वैरायटी मिलता है। वी आर विजिटिंग सयाजीगंज वाला ब्रांच, इट इज सिंस 1938। सो दिस इज फॉर फरसान काउंटर, आप यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो भी है खरीद सकते हैं। एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स इज अवेलेबल। लीला चूड़ा जो इन्होंने हमको अभी टेस्ट करने के लिए दिया है एंड दिस इज वेरी डिफरेंट, अभी मैंने जस्ट एक ट्राई किया, इट्स वेरी सॉफ्ट, खट्टा मिठा सा है। सो दिस इज भाकरवाड़ी, वी आर टेस्टिंग नाउ दिस वन, लेट्स ट्राई एंड सी हाउ इट इज। देखते भाकरवाड़ी का साथ मुंबई में काफी टाइम मैंने भाकरवाड़ी खाई तो है, बट इसमें जो फीलिंग है समथिंग डिफरेंट, खट्टा है, मीठा है, तड़ाकेदार मसाला है, लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, इट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग। सो हमारे लिए हमने टमटम खमन मंगवा लिया है जो यहाँ का अगेन वन ऑफ द फेमस डिश है, लेट्स ट्राई टमटम खमन। वेरी सॉफ्ट एंड वेरी डिफरेंट। लो चलिए, दाल वड़ा हमारा नेक्स्ट डिश भी आ चुका है और दूसरा यहाँ पर हांडवी। सो ये भी टेस्ट करते हैं आपके साथ, दाल वड़ा ट्राई करते हैं। चटनी वही स्पाइसी सा, खट्टा मिट्टा सा। आई डोंट नो कि कौन सा दाल है, काफी डिफरेंट है, चना दाल तो नहीं लग रहा है। देखते हैं, इनको पूछ के देखते हैं कौन सा दाल से इन लोग दाल वड़ा बना रहे हैं। आप अगर बड़ोड़ा आओ तो जगदीश फरजान में नाश्ता तो बनता है, लिटरली इट्स वर्थ। चटनी में भी खट्टा मिट्टा लहसुन का जो फ्लेवर है वो काफी उभर के आ रहा है, वेरी यमी। और दाल बड़ा भी जो है ना ऊपर से क्रिस्पी है एंड अंदर से वेरी सॉफ्ट है, अच्छी तरीके से फ्राई किया हुआ है। सो ये ढोकला के साथ हम जगदीश फरजान को यहाँ पर एंड करते हैं। काफ़ी कुछ हमने ट्राई किया एंड ऑल वॉज वेरी मच परफेक्ट, अबाउट एंड परफेक्ट आई कैन सी, इट इज़ वर्थ विजिटिंग। ये हम पहुँच गए होटल कंसार, लेट्स चेक। सो दिस इज द फर्स्ट लुक, थाली इस तरीके से सजते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। सो लॉट्स ऑफ वैरायटीज, पनीर, भिंडी, आलू, मिक्स वेजिटेबल, मीठे में खीर, मालपोहा, चपाती, बाजरों रोट लो विद घी एंड गुड़, बिस्किट का कुछ रोटी है एंड फरसान तो है ही एंड चाट पापड़ी इज देयर। चलिए अभी शुरुआत करते हैं खाने के लिए, कड़ी भी है, दाल भी है। खिचड़ी कड़ी के साथ खिचड़ी। अभी तक का जो भी फूड मैंने यहाँ पे ट्राई किया, इट इज रियली वेरी ऑथेंटिक फूड। गुजरात में आओ और गुजराती थाली ना खाओ तो यहाँ पे आने का मजा ही क्या है। सो वी चूज कंसार एंड इट इज अ वर्थ एंड द प्लेट इज ऑल्सो नॉट सो एक्सपेंसिव, इट इज विद इन 300 पर पर्सन, सो इट इज वेरी गुड वन, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। नाइस वन। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और
आज हम आ गए हैं, जैसे कि आपको दिखा दे रहा है, हम जय महाकाली से उस स्थल में आए हैं, पहुंचे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी मच फेमस फॉर सेव उत्सल। सो अंदर चलते हैं और टेस्ट करते हैं, चलिए। सो ये है चीज उत्सल और ये है प्लेन उत्सल जो यहाँ का फेमस है। इस तरीके से सर्विंग करते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर उसल दे हैव सर्व, वहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन। सो लेट्स ट्राई। ये तीखा के लिए है इफ यू वांट। ये यहाँ पर है लहसुन, हरी मिर्ची, चटनी, इसमें नींबू है, यहाँ पे मसाला है एंड नमक है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन टेक इट। गेम चेंजर, ये सब मसाला है। तीखा चटनी भी काफी तीखा है हायर साइड पे, बट मजा आ रहा। सो तीखा तीखा सेव मिसल के बाद अभी है बारी ठंडी ठंडी मसालेदार छाछ की। सो अब है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन खाटावाड़ी खड़की। सो वी आर चल रहे हैं, लेट्स एंटर। सो दिस इज द एंट्री ऑफ खाटावाड़ी खिड़की। दिस इज वन ऑफ द फेमस फॉर गुजराती ऑथेंटिक फूड थाली। लेट्स ट्राई दिस वन नाउ, चलिए हमारे साथ। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द रेस्टोरेंट। थाली सजाना चालू हो चुका है, फरसान, सलाद, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जी, खटिया। सो अभी तक का इतना थाली आया हुआ है। सी खाटियावाड़ी खिड़की से निकल के ही हमको आइसक्रीम खाने का मन किया। सो वी केम लकीली टू हैप्पी आइसक्रीम। दिस इज सिंस 1927 एंड ये इनका जो ओरिजिनल, ये जगी में ही था चीनाबाई टावर। ये पेंटिंग आप देख रहे हैं एंड ओरिजिनल फोटो इज ओवर हियर। एंड आइसक्रीम तो मैं फिलहाल खा चुकी हूँ, आपको मैं मेनू कार्ड से शेयर करती हूँ। दिस इज द मेनू एंड यहाँ पे जितने भी आइसक्रीम्स हैं, अभी मैंने नाना बोल के 4 to 5 फ्लेवर्स आई हैव ट्राइड एंड ऑल आर दी फैंटास्टिक वन। फालूदा इज ऑल्सो वेरी गुड। आइसक्रीम मोर देन 100 ईयर्स दे आर रनिंग ओवर हियर इन बड़ोदरा एंड रियली द क्वालिटी इज बेस्ट। ये बड़ोदा में हम पानीपुरी ले रहे हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ वराइटी इन पानी, लहसुन, पुदीना, हजमा, जीरा, रेगुलर। श्री राम टम टम, दिस इज द एड्रेस, फैक्ट्री आउटलेट ओरिजिनल लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा सिटी से आउट स्टेशन में आ जाता है, हाईवे टच में है। समवॉट रेलवे स्टेशन से 8-9 किलोमीटर पकड़ के चलिए। सो चलिए अभी टमटम ट्राई करते हैं यहाँ के। सो हम पहुंच चुके हैं, दिस इज द इनसाइड व्यू। अभी देखते हैं बनते हुए कैसे बनाते हैं ये टमटम। सो दे आर प्रिपेरिंग टमटम, लेट्स चेक। Different variety of farsan, they mix together. अच्छा, इसमें फ्रूट भी यूज होता है? अच्छा, ये रेडी हो गया हमारा फरसान टमटम, जिसे खाने के लिए हम इतने दूर से आए हैं। मैं इतने दूर से ट्रैवल करके आई हूँ, इट्स रियली वर्थ। बहुत सारे फरसान के मिक्सचर है इसमें, फ्रूट्स है, ऑनियन है, इनका स्पेशल मसाला है, खट्टा मीठा एंड इट इज गुड वन, फैंटास्टिक वन। इसमें जो फ्रूट्स है वो इसका एक्चुअली टेस्ट दुगना कर देगा, ग्रेट वन।
हाय गाइस, बड़ौदा का ट्रिप एंड करने से पहले वी थॉट कि चलो भाई बड़ौदा के रात्रि बाजार में तो आना बनता है. सो राइट नाउ वी आर इन रात्रि बाजार और वहां का दृश्य दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ चलिए, ये है रात्रि बाजार का अंदर का पूरा के पूरा व्यू. फिलहाल अभी यहाँ पर नॉर्मल टाइम पे रात्रि बाजार सुबह 5 बजे तक रहता है चालू, बट अभी कुछ 12 बजे के आसपास तक कर्फ्यू लग जाता है. इसके वजह से ये जो रात्रि बाजार है ये यहाँ पर 12 बजे तक ऑलमोस्ट वाइंड अप करवाना ही पड़ता है. सो क्राउड आपको दिख रहा है काफी अच्छा लाइवली है. तो आ चुका है ये इधर चाइनीज फूड, काफी अच्छा सुगंधित लग रहा था तो मैंने मंगवा लिया है चाइनीज हाका नूडल्स. Let's try this. चाइनीज का तड़का काफी अच्छा फ्लेवर है सही हिसाब में. जो वो स्मोकी सा फ्लेवर आता है चाइनीज में वो काफी ब्यूटीफुल है. सो लाइवली प्लेस एंड ऑलमोस्ट आप जिधर भी बैठे काउंटर बहुत सारे हैं. टेस्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही होगा एंड आइटम भी ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही है. बट यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब ब्रेड आइटम, पिज्जा आइटम, चाइनीज, पंजाबी, मारवाड़ी फूड एज वेल एज एंड मटकी दम बिरयानी, दैट इज इट इज वेरी फेमस हो गया. ठीक है चलिए, ये आ चुका है हमारा मटकी दम बिरयानी. देखने की तो काफी टेम्पटेटिंग लग रहा है, अभी देखते हैं इसको किस तरीके से खाया जाएगा. Let's see the taste. के पूरा हांडी को हमने पूरा पोर कर दिया है ये प्लेट में, अभी हम शुरू करेंगे. बिरयानी तो है बट इट इज नॉट सेम लाइक टू बी अ बिरयानी, लाइक थोड़ा सा क्या बोले, तवा पुलाव या ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, बट ठीक है चलेगा. एज अ न्यू समथिंग वी कैन, वी आर ट्राइंग दैट. टेस्ट इज गुड, मसाला काफी हायर साइड पे है. बड़ौदा का स्वीट ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए एम्बेसडर स्वीट्स एंड इट इज वेरी नियर टू द रेलवे स्टेशन. इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एंड द क्वालिटी इज वेरी गुड. ऑल द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वैरायटी यू विल गेट ओवर योर. आई टेस्ट इज एज वेल एज, मैंने घर के लिए भी परचेज किया है, थोड़ा गिफ्ट के लिए भी मैंने परचेज किया है, काफी अच्छा है. रिकमेंडेड.